दोस्तों हिंदी सिनेमा के सुपर स्टार धर्म जी यानी धर्मेंद्र को ऐसे ही धर्म जी नहीं कहा जाता है और ऐसे ही नहीं बॉलीवुड के हीमैन कहा जाता है। धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म दिया है। अपने धर्म जी लगभग 301 फिल्मों में काम किए हैं और 100 से ज्यादा सुपरहिट फिल्म दी है, यानी धर्म जी बॉलीवुड को सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म दिए हैं। यही नहीं, धर्म जी जब फिल्मों में आए थे तो इन्होंने कहीं से कोई एक्टिंग नहीं सीखी थी। सिर्फ धर्म जी एक फिल्म देखे थे दिल लगी और ये फिल्म इनको इतना पसंद आया था कि ये फिल्म अपने धर्म जी 40 बार यानी 40 दिन लगातार देखे थे और यही फिल्म देखकर अपने धर्म जी के मन में हीरो बनने का ख्याल आया था। ऐसे उस दौर के कुछ और अभिनेता की बात करें तो जैसे जितेंद्र, अमिताभ बच्चन अपने करियर में लमसम 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 63 सुपरहिट फिल्म दिए थे। और वहीं जितेंद्र कुमार अपने फिल्मी करियर में 209 फिल्मों में काम किए, हालांकि इन्होंने सिर्फ 69 सुपरहिट फिल्म ही बॉलीवुड को दे पाए। दोस्तों उस जमाने में अभिनेता अभिनेत्री बनना सिंपल नहीं था, बहुत कठिनाई होता था, लेकिन अब लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा अपना जिस्म हुस्न जलवा दिखा के लोगों के बीच पहचान बना लेते हैं और अपने आप को अभिनेता अभिनेत्री समझने लगते हैं। ऐसे देख लो, चाहे उर्फी जावेद हो या करीना कपूर खान हो, ये लोग अपने हुस्न जलवा के बदौलत आज पहचान बनाई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये बात बोलते हुए मुझे एक कहानी याद आ गया। सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म में हेमा मालिनी से बिकनी सीन करवा लिए थे सुभाष घई, और जब ये बात धर्म जी को पता चला था तो नामी डायरेक्टर सुभाष घई को अपने धर्म जी थप्पड़ मार दिए थे क्योंकि हेमा मालिनी से सिर्फ बिकनी सीन करा लिए थे। दोस्तों यही वो कारण है जो पहले के अभिनेता और अभिनेत्री के दिखने के लिए लाखों लाख करोड़ों भीड़ होता था, लेकिन लोग अब तो फिल्म और न ही सिनेमा घर से साफ इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं अरे अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया। अरे भाई, सोशल मीडिया का जमाना क्या आ गया, लोग समझ गए कि अभी के अभिनेता अभिनेत्री ज्यादातर फेक सीन करते हैं फिल्मों में और ये लोग फेक करके अपना पहचान बनाए हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के जरिए आपको पता चल गया बॉलीवुड को सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म कौन दिया।